हम नमस्ते करें, घर में घुसें तो हाथ पैर धोकर घुसें, और अच्छा हो बाहर जब भी जाएं मास्क बचाव है और बचाव ही उपाय है। मित्रों एक छोटी सी चीज़ है, जिंदगी बड़ी कीमती है, जीवन बहुत कीमती है, जीवन सारे कर्मों का धर्मों का आधार है, इसे बचाए रखें, बहुत कीमती है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मास्क तो जरा से रुपयों का आता है, और हम सब मनुष्य हैं, पशु नहीं है, हमें आंकने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले हमें शरीर प्रिय है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो अदृश्य शत्रु है वो नाक में या मुंह में होकर चला न जाए मित्रों, गले में और फेफड़ों में स्थान न बना ले। इसलिए जरूरी है यहाँ एक मेन गेट लगा दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, दरवाजे बंद कर दिया जाए। तो वो दरवाजे हैं इस तरह से, आप नाक और इस तरह से जो उचित है, कई 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 लोग मैंने देखा है कि मौका पड़ा या पुलिस को देखा तो उन्होंने रूमाल बांध लिया या तौलिया, इससे रुकता नहीं है मित्रों, बाकायदा उसके लिए जो उपाय है वो यही मास्क है, इस तरह से लगाकर ही रखेंगे तो हमारा बचाव होगा, वो अदृश्य शत्रु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। तो हम अपना बचाव रखें और जियो और जीने दो को याद रखें, हम खुद भी अपना जिए जीवन जिए, और अगर हमें कुछ संक्रमण है तो दूसरे का तो ध्यान रखें। तो दोनों ही बातों के लिए निवेदन कर रहा हूं कि हम इस संक्रमण से बचे रहें जब तक वैक्सीन नहीं आती है। वैक्सीन आ जाए उसके जैसे सूर्य छिप जाता है तो काफी देर तक उजाला बना रहता है मित्रों, इसी तरह से हम वैक्सीन आने के बाद भी कुछ समय तक इस संक्रमण से बचे रहें और अपने परिवार का